आइए थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करवा दें, अगर ये टाइम आपके पास है तो जरूर बैठिएगा। आइए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है? हमारा क्लास का डिस्कशन कवर हो गया है, अगर जिनको जिनको प्रैक्टिकल ये देखना है तो प्लीज वो बैठे रहें, बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रैक्टिकल में। चलिए सर, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी। ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट एक डिसीजन लेने वाली थी कि पुराने ऑटो को सारे को जो मार्केट में चल रहे हैं, जो रोड में पुराने पुराने जो कार्स वगैरह चलती है, ट्रक्स वगैरह चलती है, उसको बैन कर नए कार आपको खरीदने पड़ेंगे, पुराने कार आप नहीं चला सकते, 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, आप समझ रहे हैं मेरा बात? तो पहले जब ये स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली थी तो ऑटो के सेक्टर बढ़ रहे थे, लेकिन कैबिनेट की डिसीजन आई कि ये अब कोई डिसीजन आई कि अब कोई हम स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं रखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले क्या डिसीजन था कि स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो सारे स्टॉक प्राइस बढ़ गए, प्रॉफिट बुकिंग आप इसमें भी आ गए। पहले था कि भैया स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो सारे शेयर प्राइस बढ़ गए, फिर डिसीजन आया कि नहीं अब कोई स्क्रैपेज पॉलिसी अभी नहीं आ रही है, ठीक है? तो बताइए ऐसे न्यूज से मारुति के शेयर प्राइस गिरेगी कि बढ़ेगी? गिरेगी, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार हमने अपना आईडी लॉगिंग किया और हमने मारुति के शेयर को सेल किया। क्या किया? सेल किया, यस और नो? मारुति के शेयर को हमने सेल किया। देखिए मारुति गिर रही कि बढ़ रही है? गिर रही है। मारुति का आप शेयर प्राइस देखिए, गिर रही है। मारुति का शेयर प्राइस क्या है? गिर रही है। और हमें इसको क्या करना है? सेल करना है। क्यों? क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली थी, उससे वो लोग बढ़ गए थे प्राइस, लेकिन डिसीजन ये हुआ कैबिनेट का कि स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं आएगी। क्लियर हुआ सबको? बोलो यस। पहले ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं वो बताइए। पहले क्या बात थी कि पुरानी कार्स को रोड से हटा दिया जाएगा, 40-40, 25-25 साल पुरानी, 20-20 साल पुरानी कार्स को रोड से हटा दिया जाएगा। फिर आया कैबिनेट का मीटिंग तो उससे बढ़ गया। फिर आया कि भैया कोई भी कारोबार नहीं हटाया जाएगा, अभी डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है? तो मारुति का शेयर हमें सेल करना है, ठीक है? तो हमने, हम कहां गए होंगे? हम सीधा गए होंगे हमने लॉगिंग किया होगा, हमने पासवर्ड लगाया होगा, ठीक है? और हमने पिन लगाया होगा। हमें क्या करना है? मारुति के शेयर को क्या करना है? सेल करना है, ठीक है? फाइन। तो हमने गए होंगे, हम सीधा यहां पर गए होंगे और हमने यहां पर जाके सेल कर दिया होगा मारुति। तो मैंने ऑलरेडी ये सेल कर रखा है, तो अभी हमने मारुति सेल किया और अभी हमें यहां पर फायदा आ रहा है 45,000 रुपए का। अब देखिए 45,000 रुपए का भी हमें फायदा आ रहा है, मारुति हमने सेल किया है, 45,000 रुपए का टोटल गेन लॉस में देखिए 45,000 रुपए का 41,000 हो गया। हमने माप बेच दे 40,000 ब्रेक में, 10 मिनट में इतना कमा लिए, बहुत है। बोलिए यस। चाय पानी का व्यवस्था हो गया? बोलिए यस। काट दे, तुरंत काटे, बोलो यस। अभी मेरा चल रहा है 41,000, ठीक है? 36 हो गया, 45 आ रहा था, 36 हो गया। हमने मारुति को क्या किया है? सेल किया। मारुति जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, मारुति जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। और क्या न्यूज पे हमने प्ले किया है? न्यूज क्या था कि भैया डिसीजन ये देखिए कम हो रहा है, कम हो गया, 21,000 हो गया, अच्छा खासा 45,000 रुपए अभी आ रहा था, 21,000 हो गया। आप देखिए इसको कहते हैं लाल चार, तुरंत काट लेते, ठीक है? आप देख सकते हैं प्राइस, आप एक बार मेरा प्राइस एक बार देख लेते हैं, और देखिए बढ़ रहा है, सारा प्रॉफिट हाथ से चला गया, 13,000 का हो गया, 45,000 का आ रहा था 13,000 हो गया। तो इसको हम काट ले, बोलिए यस। तो काटते कैसे हैं? हमने क्या किया? सेल किया। सेल को किससे काटेंगे? बाई से काटेंगे। तो बाई किए, मार्केट में थोड़ा लिमिट लगा के काट देता हूं ताकि थोड़ा सा मतलब मेरा
12,000 तो घर पे आए, 10 मिनट में 12,000 कमा लिया, वो भी बहुत है, तो मैं लिमिट लगा के काट देता हूँ। और मैंने इसको बाइक मैं कर लूंगा, इसको लिमिट लगा दूंगा मैं, ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या लिमिट लगाना है। तो कहने का मतलब यह है कि 10 मिनट में आप आराम से कॉन्सेप्ट के साथ आराम से आप कमा सकते हैं। अभी अभी मैंने 45,000 बुक कर सकते थे, हालांकि थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा ही आपको भाषण देने लगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारे हाथ से ये निकल गया, बट 13,000-14,000 तो हम लेकर ही निकलेंगे, उसकी चिंता गारंटी है। आज के दिन भी हमें 13,000 का फायदा हो गया, विद इन 10 मिनट्स मैंने ये करके दिखाया आपको, क्योंकि देखिए रोज रोज इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने 10 मिनट में आपको ये करके दिखाया, प्रूफ लाइव मार्केट में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से हमने विद इन 10 मिनट्स हमने ये प्रॉफिट करके दिखाया। अभी हमारा चल रहा है 23,000 रुपए, ठीक है, तो मैं आज 20,000 तो लेके निकलूंगा ही निकलूंगा, मैं ऐसा स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि मैं 20,000 तो मेरा आएगा ही घर पे, इस मेरे से कोई छीन नहीं सकता 20,000। 23,000 में पागल हूं कि मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, 20,000 तो लेकर निकलूंगा, बढ़े तो ठीक है, 20,000 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, वो भी लगा सकता हूं, बोलो यस, सब कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। तो मेरा भी 23,000 आ रहा है, 38,000 अब मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा, अब मैं 30,000 तो लेके निकलूंगा, अब मैं ट्रायल करूंगा, हर सेकंड मुझे लिमिट चेंज करते रहना पड़ेगा, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, इसलिए मैं इसे अपने टीम को दे देता हूं कि टीम अपना देख लो, 30,000 तो आज लेकर मैं निकलूंगा ही निकलूंगा, 30,000 मेरे से कोई नहीं छीन सकता। यस और नो, फिर से रिपीट करें न्यूज, पहले स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली थी कि भैया जो पुरानी कार से उनसे सबको बंद कर दिया जाएगा, और अब नई नई कार मार्केट में आएगी, 20-20 साल पुरानी कार को बंद कर दिया जाएगा। पहले ये न्यूज आई तो ऑटो सेक्टर बढ़े, फिर क्या न्यूज आया कि भैया कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो उसके वजह से क्या हुआ, शेयर प्राइस गिरने लगे। और मेरा यहां पर जो अभी प्रॉफिट हो रहा है वो 38,000 रुपए का, 39,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 30,000 तो देख के निकलूं, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, 30,000 तो आज मेरे घर पे आ ही गया। यस और नो, फाइन, एकदम लॉक कर दें इसको, चलिए सर, तो इसको मैं यहीं लॉक कर देता हूं। आज का भी पार्टी हुआ, आज अच्छा मूवी हम लोग देख सकते हैं सब मिलकर, ठीक है, ये प्रॉफिट किसका है, आपका, हाँ, तो ये आपका प्रॉफिट है, आप इसको देखकर खुश हो जाइए। 40,000 का आ गया, अब मैं 35,000 तो लेके निकलूंगा, आप समझे, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल, अब मेरे को लिमिट चेंज करते रहना पड़ेगा, अब मैं अपने 35,000 तो मैं लेकर निकलूंगा, ठीक है, तो 10 मिनट में 35,000 बहुत होते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, मारुति को हमने सेल किया है और मारुति गिर रहा है, देखिए मारुति गिर रहा है, ₹100 मारुति गिर गया, मारुति गिर रहा है, न्यूज आपके सामने है, स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली थी तो गेन सारे स्टॉक्स बढ़ गए थे, ऑटो सेक्टर्स में बाइंग आ गई थी, लेकिन बाद में फैसला टाल दिया गया, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, उसके कारण मारुति गिर रहा है, और अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1,52,000 हमारा प्रॉफिट है, टोटल गेन है 1,52,000, 1 लाख, मात्र 2 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है, मात्र 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे और अब मेरा 1,52,000 का मेरा फायदा है। आप देख सकते हैं आपके सामने, मैंने ये करके दिखाया है, 1,51,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, 1,51,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, 1,51,000, ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, एक लाख 50,000 का मुझे फायदा हुआ है, जो मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लासेस कभी भी प्ले हो रही हो, ये क्लासेस बाद में भी प्ले हो रही हो, लेकिन ये सब न्यूज आपको टैकल करना चाहिए, ये सब न्यूज आपके स्टडीज बन गया आपके लिए कि ऐसा चीज होगा तो मैं ऐसा करना है। लाइव कोई भी यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, आप सिर्फ सीख रहे हो, तो आप कभी भी ये चीज देख रहे हो, चाहे आप इसको 6 महीने बाद देख रहे हो, चाहे आप 3 महीने बाद देख रहे हो, चाहे आप साल भर बाद देख रहे हो, आपके लिए उस समय ये नया है, उस समय चीज, क्योंकि आपको ये केस स्टडी बन गया, आपको नॉलेज हो गई, आपके सामने हमारा भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,43,000 हो गया, अभी 1,50,000 टच किया था, 1,43,000 है आपके सामने जो प्रॉफिट है, 1,43,000 है, 1,40,000, ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, हर एक नॉलेज को लेकर चलिए, बिकॉज यही चीज आपको करियर बनाना है, इसी चीज के ऊपर आपको करियर बनाना है, लाइफ में भी बहुत आपको आगे बढ़ना है। मैं कहता हूं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। मैं 15 साल से ये कर रहा हूं, आपको एक दिन में आप चैंपियन नहीं बनेंगे, एक दिन में आप चैंपियन नहीं बनेंगे। मेरा नॉलेज देने का काम है और मैं चाहता हूं सब आदित्य जैन बने और सब अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चले। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है। याद रखिएगा ये जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ठीक है, फाइन।